वंश न्यूज। दलित पीडित व शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नागपुर मनपा की आपली बस के कर्मचारियों को कम वेतन मिलने से कर्मचारियों में रोष का माहौल है। मुंबई महानगर पालिका की तर्ज पर कर्मचारियों को मनपा प्रशासन की ओर से वेतन देने की मांग को लेकर नागपुर के संविधान चौक में वंचित बहुजन माथाड़ी यूनियन की ओर से हड़ताल जारी है, जहां एक ओर लाखों भक्तों को बस चालकों की हड़ताल की वजह से असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 6 दिन से अपनी बस सेवा का हड़ताल जारी है, लेकिन नागपुर में रहने वाले केंद्रीय मंत्री भाजपा के बड़े नेता नितिन गडकरी तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी बस सेवा के कर्मचारियों की सूद लेने का समय नहीं है। नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस तथा भाजपा के नेताओं को नागपुर मनपा तहत ठेकेदार कंपनियां हंसा ट्रैवल, ट्रैवल टाइम और आरके जैसी कंपनियों पर करोड़ों रुपया लुटाने में इंटरेस्ट है, लेकिन अपनी बस के कर्मचारियों को वेतन देने तथा मनपा के कर्मचारी घोषित करने में तकलीफ हो रही है। अपनी बस के कर्मचारियों को नागपुर मनपा में जब तक के सम्मिलित नहीं करते तब तक के हड़ताल जारी रहेगी, ऐसी जानकारी वंचित बहुजन माथाड़ी अध्यक्ष विवेक वानखेड़े, राकेश गोसेकर, नागेश सहारे, रुपेश पडोले, रुपेश निकोसे, चंद्रशेखर गजवीय, चिंतेश्वर बहिनवार, समीर सातारकर, कमलेश वानखेड़े, नीलेश पवनीकर, रमेश गजघाटे आदि ने दी। किती वर्षापासून आपली बस मध्ये काम सर? 2017 पासून आहे। तुमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर तुमचे काय पुढचे पाऊल राहणार आहे? आम्ही अशी जी आहे धरणं आंदोलन हे आम्ही कंटिन्यू तोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होतील। आणि आता आमचे जे भाऊ लोक आमच्यासोबत आहे त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा राहील आमचा। या स्ट्राईकमध्ये किती लोक सहभागी झालेले आहेत? जवळपास जवळपास भरपूर झाले आहेत। किती लोक? 90% लोक इथे सहभागी आहेत। शहर बस सेवेवर आपली बस सेवेवर काही परिणाम होईल असं वाटते का तुम्हाला तुमच्या स्ट्राईकमुळे? आज नागपूर सिटी बस हे नागपूरची एक धडधड म्हटलं तरी चालतं, लाईफलाईन आहे। ऍक्च्युली मी काल मेट्रोमध्ये गेली, त्या मेट्रोमध्ये लोकं कसा कण म्हटलं होतं की लोक मला म्हणायचे की मॅडम तुम्ही बसमध्ये चालू होते, आम्हाला त्रास खूप होतो। हाँ, आपका नाम क्या है? आपकी मांगे क्या क्या है? मेरी मांगे ये है कि हम 2017 से काम कर रहे हैं, हमको बोनस के नाम पे 2017 से 2000-3000 रुपए सिक्के का दे दें हाथ में, जबकि हमारा बोनस एक पगार बनता है। पीएल छुट्टी हमारी साल में 18 बनती है, वो भी मेरे को 2017 से दी नहीं जा रही है। अगर हमारा कोई भाई मर जाता है तो उसको मैयत के लिए तुरंत 10,000 रुपये देना पड़ते, गाड़ी के साथ में 1,00,000 रुपये का इंश्योरेंस रहता है, लेकिन कंपनियां उसको भी नहीं देती है। और कंपनियां हर प्रकार से हमारा शोषण कर रही है। जितने भी ठेकेदार लोग हैं उनसे अगर कहीं भी मीटिंग होती है तो वो न्यूनतम वेज के नाम से सीधा निकल जाते हैं, क्योंकि कायदा कानून में 2024 तक आज दिन तक कोई भी वेतन बढ़ाया नहीं गया, जबकि 2015 का लागू किया महाराष्ट्र सरकार ने लागू नहीं किया। ये कोई भी महानगर पालिका और ये वो उसमें वो नहीं है, महाराष्ट्र सरकार ने लागू नहीं किया ये नियम। अभी आप अपनी बस सेवा जो है, हाँ, इसके मतलब जो महानगर पालिका के कामगार करके आप काम कर रहे हो या कोई प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हो? क्या नाम है उस एजेंसी का? तो आपने महानगर पालिका के आयुक्त को आपने मांगों का निवेदन सौंपा है क्या? महानगर पालिका से कई बार मैंने बात किया, उनको हर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन ये कान से सुन लेते वो कान से। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम विवेक वानखेड़े है,
एक्चुअली कल हमारी आईटी के साथ मीटिंग हुई है एंड जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ भी मीटिंग हुई है। उन लोगों ने सिर्फ 1000 रुपये की बढ़ोतरी करने की बात की है। आज 2010 से लेकर अभी तक 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि ये 1000 रुपये हम लोग कैसे एग्री करें? क्यों सरकार 2010 से लेके अभी तक आज 14 साल हो गए, 14 साल से पैसा क्यों नहीं बढ़ाया है? इसलिए आज सभी कर्मचारी लोग संप पे गए हुए हैं। आज 3 तारीख से 6 दिन हो गए आज भी संप चालू है। फिलहाल ड्राइवर और कंडक्टर को कितना पेमेंट हमसा कंपनी दे रही है? तो मिनिमम वेजेस है वो 13,200 बस वही मिल रहा है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है। महानगर पालिका मुंबई में खुद हो अपनी बस सेवा चला रहे, ऐसे हालात में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से अपनी बस सेवा शुरू करनी चाहिए और आपके जो कामगार है उनको महानगर पालिका के कामगार घोषित होना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है? देखा जाए तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो महानगर पालिका ही है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिनाई कर रही है कि वो ये जो एम्प्लॉय है उसके नहीं है, जबकि प्रिंसिपल एम्प्लॉय महानगर पालिका है। उनके क्लियर मनपा कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती है और कॉन्ट्रैक्टर इनको पैसा देता है, इट मीन्स प्रिंसिपल एम्प्लॉयर महानगर पालिका है। बीच की जो एजेंसी है ऐसी एजेंसी बंद होनी चाहिए, ऐसी आपकी मांग है? बिल्कुल, इसके ऊपर उप मुख्यमंत्री जी एंड गडकरी जी ने कुछ सोचना चाहिए। जब अपने यहाँ पे गडकरी साहब है, फडणवीस साहब है, तो उन लोगों ने ये तो अभी तक तो इमीडिएट तो कर देना चाहिए था। सरकार तो अपना है मनता, अपनी सरकार है, सब जनता के हित के बारे में सोचती है, ऐसे हालात में ट्रांसपोर्टर जितने भी अपने हैं कामगार उनके हितों के बारे में उनको कोई चिंता है नहीं, ऐसा लगता आपको? अब जब 3 तारीख से ये सब कुछ चल रहा है तो अभी तक तो उप मुख्यमंत्री जी नागपुर में है, मुझे लगता है उन्होंने यहाँ पे विजिट देना चाहिए था। अभी तक कोई आया नहीं है? अभी तक तो कोई आया नहीं है, कोई नेता यहाँ पे आया नहीं, ना कांग्रेस का आया, ना बीजेपी का आया, ना कोई और पक्ष का आया है। यानी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को किसी को आपके आंदोलन से कोई फर्क पड़ा नहीं अभी तक? कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। आगे आपका आंदोलन कितने दिन चलेगा? जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक तो चलते रहेगा। यानी आप स्ट्राइक पर ही रहोगे, काम पर जाओगे नहीं? हम तो चाहते हैं कि काम पे जाए, लेकिन सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, इसलिए मजदूरों ने कर्मचारियों को संपे पे रहना पड़ रहा है। क्या कुछ लॉलीपॉप आपको सरकार के माध्यम से बीजेपी के नेताओं के माध्यम से आपको मिलेगा? लॉलीपॉप तो उनका उनको पता है, हमको तो इस तरह का हो सकता है कि आपको कुछ दिन के लिए लॉलीपॉप चुनाव है, लॉलीपॉप दिया जाएगा। वेतन में चाहिए कि ये कल से चालू, ये जो तुम्हारा वेतन ये कल से आपको मिल रहा है, ये जब तक के रिटर्न में नहीं मिलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो पेपर है उसके ऊपर तब तक के हम पीछे नहीं हटने वाले। हमारा वीडियो जास्त से जास्त लाइक करा, शेयर करा आणि आमचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा।